नमस्कार दोस्तों, पीके एंटरप्राइजेस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो की बात करें हम, तो एक ऐसा सच जो कि आप उसे देख हैरान रह जाएंगे। हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहें, बीच में स्किप ना करें और जानें पूरा सच क्या है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साथ ही बेल नोटिफिकेशन के लिए आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का लिंक जो है आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। और जो दोस्त हमें फॉलो करना चाहते हैं वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो दोस्तों, आज की अगर हम बात करें व्हाट्सएप के रिगार्डिंग, कि व्हाट्सएप ने आज सबको हिला के रख दिया है। जैसे एक कोविड-19 था, कोविड-19 की तरह 2021 में ये हम पे एक पहाड़ बन के सभी पे टूटने वाला है। और इसका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको अवगत कराने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी आपकी फैमिली में हैं, फ्रेंड सर्किल है, कॉलेज फ्रेंड हैं, या वट एवर जो भी आपके रिलेशन में हैं, ग्रुप में हैं, प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, हानियां हैं, उनसे आप बच सकें और इस चीज़ का आप सही उपयोग कर सकें। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है और क्या चीज़ अलाउड की है व्हाट्सएप ने। तो इस वीडियो को देखते रहें, इसकी वीडियो को बिल्कुल ना करें क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी और आप उनसे वंचित रह गए तो आपके लिए काफ़ी बड़ी परेशानियां, मुसीबत बनकर आपकी ज़िंदगी में लाइक कोविड-19 की तरह फिर से एक दखलंदाजी हो सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं क्या चीज़ हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं। और दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये आज ही का स्क्रीनशॉट, जब मैंने देखा तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया और मैं फिर रोक नहीं पाया अपने आप को। मैंने सोचा कि पब्लिक के लिए यही यूजफुल होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये सुबह का मैसेज है और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि व्हाट्सएप इज अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो दोस्तों, यहाँ व्हाट्सएप ने जो है टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपडेट की हैं और इसका मैसेज जो है कंटिन्यू सभी जो भी व्हाट्सएप चला रहे हैं सबके पास वन बाई वन करके पहुंच रहा है और सब लोगों के पास आ रहा है। जैसे ही आप सुबह जगते हैं या सुबह दोपहर में जब से ही आप अपने मोबाइल को देखेंगे, वन बाई वन करके ये मैसेज स्क्रीन पे शो हो रहा है। और शो होने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस मैसेज के बारे में पढ़ लीजिए, इसका मतलब क्या है। आप देख रहे हैं कि की अपडेट्स इंक्लूड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, इसमें जो है जो की अपडेट्स जो की हैं इसमें इंक्लूड किए हैं मोर इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं दी हैं अबाउट इसके बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन ये यहाँ शो हो रहा है कि व्हाट्सएप सर्विस एंड हाउ यू प्रोसेस योर डाटा। व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो आपके डेटा को कैसे प्रोसेस में लाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़ें इसके टर्म्स एंड प्राइवेसी में चेंजेस कर दी गई हैं। हाउ बिजनेस कैन यूज फेसबुक होस्टेड सर्विस टू स्टोर एंड मैनेजर देयर व्हाट्सएप चैट। तो दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस व्हाट्सएप चला रहे हैं या सिंपल व्हाट्सएप है तो ये सारा डेटा फेसबुक के माध्यम से वो सारी आपकी चैट्स हैं या जो भी एटसेट्रा आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ वो जो है आपकी लाइव लोकेशन है, बैंक डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल हैं, पर्सनल चैट हैं, प्राइवेट मैसेज हैं, ऑडियो वीडियो कॉल यानी एटसेट्रा जो भी आपको इसमें करते हैं वो सारा डेटा उनको प्रोवाइड होने वाला है, उनको प्रोवाइड होगा और वो कहीं भी इस चीज़ को अदर कंट्रियों में सेल आउट कर सकते हैं, दे सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दोस्तों, हाउ वी पार्टनर विद फेसबुक और टू ऑफर इंटीग्रेशन अक्रॉस द फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट।
अभी आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको अवगत करा दूं कि व्हाट्सएप को जो है 2 साल पहले ही इसे परचेज कर लिया गया था, जबकि आपने सुना भी होगा कि व्हाट्सएप पे पैसे लगने वाले हैं, अब ये बंद हो जाएगा, इस तरह की कुछ अफवाहें भी चली थी। वो अफवाहें कहीं तक सही भी थी, कहीं तक गलत भी। उस समय हमें फ्री कर दिया गया, फेसबुक ने इसे परचेज 2 साल पहले ही कर लिया है, लेकिन तब ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन या ऐसी कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन अब जो प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने कर दी है 8 फरवरी के बाद, आप यहाँ नीचे आएंगे देखेंगे कि वी टैपिंग एग्री यू एक्सपेक्ट द न्यू टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी विच टेक इफेक्ट ऑन फरवरी 8, 2021। जो भी आप ये टर्म्स एंड कंडीशन हैं 8 फरवरी 2021, आफ्टर दिस डेट, इस डेट के बाद यू विल नीड टू एक्सपेक्ट दीज अपडेट्स टू कंटिन्यू यूजिंग व्हाट्सएप। अगर आप इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हो व्हाट्सएप, देन वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो विजिट द हेल्थ सेंटर, आप विजिट भी कर सकते हैं हेल्थ सेंटर इफ़ यू वुड प्रेफर टू डिलीट योर अकाउंट एंड वुड लाइक मोर इन्फॉर्मेशन। यदि आपको प्रेफर हो डिलीट करने के लिए तो अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, वुड लाइक मोर इन्फॉर्मेशन, अपनी सूचनाओं को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, नॉट नाउ और एग्री। अगर आप एग्री करते हैं तो आपको डिसएडवांटेज, मैं आपको बता ही चुका हूँ। वैसे आप देखते हैं कि 2 पहलू होते हैं, एक लाभ और एक हानि, लेकिन इसमें नेक्स्ट 8 फरवरी के बाद कोई भी लाभ नहीं होगा सिवाय हानियों के, क्योंकि आपका जितना भी पर्सनल डाटा है, लाइव लोकेशन है, बैंक डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल चैट हैं, प्राइवेट मैसेज हैं, ऑडियो वीडियो हैं, है ना, और कुछ हमारे दोस्त जो भी सोना बाबू गपशप करते हैं एटसेट्रा जो भी है, कि बाबू खाना खाया, पता चला कि बाबू खाना यहाँ खा रहा है और आपकी सुर्खियाँ जो है अदर कंट्रियों में चल रही हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा प्राइवेसी बनाएं, और इस चीज़ को आपको नॉट नाउ करना है, एनी हाउ कंडीशन, किसी कंडीशन में आप एग्री मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें आप साफ साफ पढ़ पा रहे हैं। और नेक्स्ट के लिए मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि यहाँ जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का आप पर असर। तो दोस्तों यहाँ असर जो होने वाला है आपको यहाँ हिंदी में भी मैंने दे रखा है, खर्च से आपका स्टेटस तय होगा, फिर वैसे ही विज्ञापन दिखेंगे, यानी कि आप इसमें जो भी खर्च करेंगे उसी के हिसाब से आपका स्टेटस तय होगा और ऐसे ही आपको विज्ञापन दिखाएंगे। सेकंड, फ़ोन के आईपी एड्रेस से पता लगेगा आप कब कहां जाते हैं। तो दोस्तों आपकी लोकेशन का पता जो है फ़ोन के आईपी एड्रेस व्हाट्सएप से ही पता चल जाएगा कि आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्हाट्सएप आपके स्टेटस को पढ़कर फेसबुक पर देगा सजेशन। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पर जो भी करेंगे उसका सजेशन जो है आपको वही व्हाट्सएप पे फेसबुक के थ्रू जो है वहाँ दिखाई देगा। और 4 दूसरा जो कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट पर नज़र रखकर उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं, आपका चाहे कोई भी पर्सनल मैसेज हैं, चैटिंग हैं, वो सारा ऑल ओवर जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी हैं वो उस पर सब पे नज़र रहेगी, और आप किस ग्रुप में कितने एक्टिव हैं ये भी उससे पता रहेगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ व्हाट्सएप की आपकी फेसबुक के माध्यम से अदर कंट्रियों को भी प्रेषित होती रहेंगी। तो दोस्तों अगर इससे बचना है तो इन चीज़ों को आप अपनी प्राइवेसी को नोट ना करें, आप अपनी से एग्री बिल्कुल ना करें, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया था नोट ना और एग्री के लिए जो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, दोस्तों आपको नोट ना करना है और किसी भी कंडीशन में ये आपको एग्री नहीं करना है। तो दोस्तों आप इसे अभी से सभी फ्रेंड सर्किल वगैरह में, सब जो भी आपके ग्रुप हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, फैमिली हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आप इन सब से होने वाली परेशानियों से बच सकें। तो दोस्तों ये मैसेज आप देख रहे हैं, आपको किसी भी कंडीशन में दोस्तों नीचे एग्री नहीं करना है, सिर्फ नोट नाउ करना है। अगर पहले अगर किसी के पास अगर ये मैसेज आ गया है जिन दोस्तों ने एग्री कर दिया है तो उन्हें डरने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको
उसके लिए बचाव करना होगा दोस्तों। अपने डाटा को 8 फरवरी से पहले, यहाँ नोटिफिकेशन दे रखा है 8 फरवरी 2021, उसके पहले आप अपने डाटा को सेव कर लें और बाकी जितना भी आपके पास डाटा वगैरह जो है व्हाट्सएप पे है सबको रिमूव मार दें, प्रॉपरली तरीके से डिलीट कर दें, ताकि ये सारी जो भी आपका पर्सनल बैंकिंग या प्राइवेट ऑडियो वीडियो जो भी हैं एक्सेट्रा वो कम से कम सेव रहें। और जिन दोस्तों के पास अगर ये मैसेज कंटिन्यू आ रहा है तो वो नोट नाउ करें और एग्री कैसे भी ना करें। और दोस्त जो भी अगर आप इसी तरह से अगर यूज करना चाहते हैं तो आप हमारा हाई इंडियन वर्जन है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह नहीं है और ये आपका डेटा सारा वहाँ विदेशों में यूज हो सकता है, यहाँ से फेसबुक के थ्रू जो है वो डेटा को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बताऊं कि इसी के साथ फेसबुक ने व्हाट्सएप को तो ख़रीदा ही ख़रीदा है, साथ ही में इंस्टाग्राम को भी उसने परचेज कर रखा है। और इंस्टाग्राम पे भी आप अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह ज़्यादा शेयर ना करें, इन चीज़ों से दूर रहें, सावधान रहें। और दोस्तों इस वीडियो को आप सभी ग्रुपों में सभी जगह फैला दें ताकि 8 फरवरी से पहले, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है, तो आप जहाँ भी जितने भी आपके पास ग्रुप हैं शेयर हैं, एक दिन या एक घंटा जो भी आपके पास समय है तो प्लीज़ आप शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। अदरवाइज काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। 2020 में कोविड-19 के रिगार्डिंग आप सब कुछ देख चुके हैं और हमारे जितना भी पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो भी होती हैं वो मोबाइल्स में होती हैं दोस्तों, इसके अलावा हम कहीं रखते नहीं, क्योंकि एज ए मोबाइल एज ए स्मॉल हाउस बन चुका है तो सारी डिटेल्स हमारी यहीं अवेलेबल होती हैं। तो प्लीज़ इनसे मैनेज कीजिए, अगर आपको किसी को कुछ भेजना है तो ईमेल का यूज कीजिए, हाइक का यूज कीजिए, ईमेल के थ्रू कीजिए, तो थोड़ा सा अपने चेंजिंग में पर्सनल मैसेज टेक्स्ट मैसेज कीजिए, इन चीज़ों से अभी थोड़ा सा दूर रहें। तब तक 8 फरवरी के बाद इसमें हो सकता है कि अपडेशन हो जाए दोस्तों, अगर आप सारे चीज़ आईटी से रिलेटेड अगर फोर्स करें तो ये हो सकता है इस पर बैन हो, और इस क्योंकि तब तक आवाज़ नहीं उठती तब तक कोई बात नहीं बनती, अगर बात मनानी है तो हमें जनता को जगानी है, तो यानी कि जब तक आप नहीं जागोगे पहले जागो फिर भागो। तो दोस्तों इन चीज़ों के लिए बस इतना ही कहूँगा, टॉपिक तो छोटा है लेकिन इससे कहने के लिए बहुत वक्तव्य हैं, तो दोस्तों इसे आप प्लीज़ एग्री ना करें, इस वीडियो के माध्यम से आप इन चीज़ों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद।